एडेप्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस कंट्री स्कीइंग, जिसमें हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम और मसल स्ट्रेंथ तीनों पर फोकस करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको इस पैर की मसल के ऊपर काम करना है, दूसरे पैर को आप सिंपली लिफ्ट करेंगे। जैसा आपको रखना हो, इस पैर के मूवमेंट पर हमें ध्यान नहीं देना है। इस पैर का आपको फर्दर मूवमेंट जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते जाना है, घुटना मोड़ना है, सीधा करना है, घुटना मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इसको आपको कंबाइन करना है अपने हैंड्स के मूवमेंट के साथ में। अब आप इसे करते जाइए, हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, एडक्टर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके का कोई काउच या कोई भी ऐसी हाइट की चीज़ जो आपका वेट ठीक से ले सके उसके पास ऐसे सामने खड़े होंगे। फिर आप झुकेंगे इस तरीके से कि आपका बॉडी का पूरा टॉर्सो हिप को फलक्रम बनाते हुए ये इस तरीके से पूरी बॉडी आपकी काउच पर सपोर्टेड हो। आप अपने हैंड्स की मदद से उसे पकड़ लेंगे और अब इसके बाद आप धीरे धीरे हिप के एक्सटेंशन के साथ में जितना आप सीधा ले जा सकते हो, जितना आपसे बन जाए, फिर आप इसे ग्रेजुअली नीचे लेके आएंगे। दोनों पैरों को साथ में नीचे लेके जाना है और स्लो नीचे लेके जाना है। इनिशियली आप इसे 3 to 5 रिपीटेशन तक रिपीट करेंगे। अगर आपसे अच्छे से बनने लग जाए, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, तो आप इसे 10 रिपीटेशन तक ले जा सकते हैं, जो आपका एक सेट बनेगा। ये एक कंपोजिट और टफ एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपनी बॉडी की सभी इंपॉर्टेंट मसल्स को, काइनेटिक चेन की इंपॉर्टेंट मसल्स को लिंक कर रहे होते हैं। थैंक यू। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कोपेनहेगन एडक्टर एक्सरसाइजेस। डॉक्टर दीपा फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद से एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे। इनिशियल पोजीशन आपकी साइड लाइन पोजीशन में है, जैसे दीपा भी साइड लाइन पोजीशन में लेटी हुई है। हम नीचे वाले पैर की एडक्टर एक्सरसाइजेस के लिए काम कर रहे होंगे। इसमें आप अपने एक साथी प्लेयर या कोई भी कोच या जो भी पर्सन आपको असिस्ट कर सकते हो कि मदद से आपको ओरिजिनल अपनी पोजीशन देनी है। हाथ के सपोर्ट से बॉडी का सपोर्ट बनेगा। थोड़ी सी पोजीशन लें दीपा, जैसे हम साइड प्लैंक्स के लिए हाथ की पोजीशन रखते हैं वैसे रखेंगे। आपके सपोर्ट में जो पर्सन है वो आपके ऊपर वाले पैर को लिफ्ट करेंगे नीचे से एंकल के लेवल पर और थाई के लेवल पर लेते हुए, और सपोर्टर के हिप के लेवल पर ऑलमोस्ट आपका पैर कप की पोजीशन रहे। ऐसी पोजीशन में नीचे वाले पैर को लिफ्ट करेंगे। दीपा करके दिखाएं, वापस धीरे धीरे नीचे रखेंगे, अगेन लिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे रखेंगे, स्टॉप। थैंक यू। ये कोपेनहेगन एडक्टर एक्सरसाइजेज हैं। ये टफ एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके रिहैब के बाद के हिस्सों में आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। थैंक यू।